नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज झा आप लोगों के समक्ष आज यहाँ पे मौजूद हूँ। दोस्तों, आज कोरोना वायरस को लेकर जो भी समाज में जो भी देश में आज स्थिति बनी हुई है, गई गंभीर स्थिति बनी हुई है। आज पूरा हिंदुस्तान एक साथ खड़ा है, इस महामारी से लड़ रहा है और अवश्य जीत हमारी ही होगी। दोस्तों, हमारे देश में कई वर्ग के लोग हैं, अमीर वर्ग, मध्य वर्ग और गरीब वर्ग। दोस्तों, जो अमीर वर्ग के लोग हैं या जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उनके पास इस लॉकडाउन का पालन करने के लिए सभी जरूरत की चीजें उपलब्ध है। वह तरह तरह के व्यंजन बना के अपने लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, तरह तरह की एक्टिविटीज से अपना टाइम काट रहे हैं। मध्य वर्ग भी इस तरीके से अपना टाइम काट रहे हैं, मगर बड़ी ही पीड़ा होती है जब मैं उस वर्ग के बारे में सोचता हूँ जिसके पास खाने का कोई इंतजाम नहीं है। वह बड़ा ही परेशान हो जाता है जब वो सोचता है कि मैं एक टाइम का खाना कैसे खाऊंगा। तो दोस्तों, एक हिंदुस्तानी होने के नाते आज हम सब लोगों को मौका मिला है अपनी वीरता दिखाने का। हम निश्चित करना है कि हमारे आसपास, हमारे नजदीक में कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। कोरोना से तो हमारा देश लड़ ही रहा है, मगर हमें इस चीज से भी लड़ाई करनी है। तो दोस्तों, हमें निश्चित करना है कि हमारे समाज में, हमारे आसपास, हमारे सामर्थ्य के अनुसार जो भी सेवा उपलब्ध हो पाएगी, हम सब लोगों को वो सेवा निश्चित उन लोगों की करनी है। आज बहुत लोग हैं जो भोजन वितरण कर रहे हैं, जो आज भगवान स्वरूप प्रकट होके समाज में और गरीब लोगों को भोजन वितरण कर रहे हैं। मैं उन लोगों के जज्बे को सलाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि वह और लोगों को भी प्रेरणा दे रहे होंगे कि और लोगों की सहायता करी जाए। दोस्तों, आज इस महामारी के समय में एक बहुत ही सुंदर चित्रण दिख रहा है। आज हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक एक साथ खड़ा है। सरकार और विपक्ष दोनों ही बड़े ही सहानुभूति तरीके से एक दूसरे से बात कर रही है, डिस्कशन कर रही है, निष्कर्ष निकाल रही है और उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। मगर इन सभी नियमों का, इन सभी डिस्कशन का तभी फायदा होगा जब हम नागरिक उनको फॉलो करेंगे, उन नियमों का पालन करेंगे। यह लड़ाई केवल सरकार की नहीं है, यह लड़ाई एक प्रत्येक हिंदुस्तानी की है। यदि हम उन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमें बड़ी ही कठिनाई आएगी। तो आज हमें एक वीरता दिखानी है, हम प्रत्येक नागरिकों को अपनी वीरता दिखानी है। जो भी सरकार नियम बना रही है, जो भी कानून बना रही है, हमें उनका पालन करना है और अपने घर में रहना है। व्यर्थ के कामों के लिए हमें बाहर नहीं जाना बिल्कुल भी, ठीक है। आज हमारे डॉक्टर्स, नर्स, सेवा दल और अनेक कैटेगरी के लोग लगे पड़े हैं सेवा में देश की, हमें उनका मान सम्मान करना चाहिए। बड़ा ही दुख होता है कुछ ऐसी जब खबर मिलती है कि उनके साथ दुष्व्यवहार किया जा रहा है। दोस्तों, हमें उनकी वो आज वह एकदम भगवान स्वरूप हमारे सामने खड़े हैं और हम हिंदुस्तानियों की सेवा कर रहे हैं, तो हमें निश्चित करना है कि उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। मैं एक और विनती यहाँ पे करना चाहूँगा सरकार से, हमारे गोडाउन में जो भी अनाज सरप्लस में पड़ा हुआ है, निश्चित किया जाए कि वह अनाज एक गतिशीलता तरीके से गरीब लोगों में बांटा जाए और निश्चित किया जाए कि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो, और जीत हमारी निश्चित ही होगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।